लोकसभा का हमारा लोकसभा राज्यसभा का हमारा 70 केंद्र में चल रहा है और बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष एक मुद्दे को इन दिनों उठाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि उसमें जो बात दिखती है वो प्रमुख रूप से विपक्ष के पास पिछले लंबे समय से कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो सरकार को घेर सके, सरकार के सामने अपनी बात कर सके। ऐसी परिस्थिति में अभी हाल ही में जो मानसून सत्र हमारा लोकसभा और राज्यसभा का शुरू हुआ है, फोन टेपिंग और जासूसी करने का आरोप लगा करके एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश बहुत मजबूती के साथ कोविड के सेकंड फेज का सामना करने के पश्चात उससे बाहर निकल रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक मकसद से कुछ मुद्दा तलाश किया जाए, मुद्दा उठाया जाए, उस दृष्टि से एक ये प्रयत्न किया जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत सारे नौजवानों को उसमें अवसर प्राप्त हुआ, अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व मिला, महिला वर्ग को उसमें प्रतिनिधित्व मिला और उसके साथ साथ में अनुभवी लोगों को आने का उसमें अवसर प्राप्त हुआ है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ पूरा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और उनकी लोकप्रियता लगातार जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से उस वजह से विपक्ष बहुत बेचैनी में है, निराशा में है, हताशा में है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये एक संयोग ही है जिसको बोल सकते हैं। जिस पर विचार करके जो है विश्वास करना सही मायने में बहुत कठिन है कि संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया में पेगासस मामले को लेकर के रिपोर्ट आती है और मानसून सत्र से ठीक पहले उस मामले को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत सदन को रोकने के लिए सदन में उठाया जाता है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे इस मामले को भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन मानसून सत्र में इस प्रकार से इस मामले को इस प्रकार से उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम सदन को किसी सूरत में चलने ना दें, सदन को अवरुद्ध कर सके, लोगों का ध्यान जो कोविड के इस दौर से निकलने के पश्चात डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है और सरकार का ध्यान भी डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है,
उससे उस ध्यान को बांटा जा सके, इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रकार का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। उन्नीस जुलाई से शुरू हुए इस मानसून सत्र से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस दौरान किसान, युवा, महिलाएं और समाज से पिछड़ा वर्ग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की संभावना उसमें है। भाजपा शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का यह रवैया, मैं समझता हूं कि देश की छवि को धूमिल करने का एक प्रयत्न है, एक प्रयास है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस मुद्दे को एक शेप दी जा रही है, इसको एक स्वरूप दिया जा रहा है, तथ्य इससे बहुत परे है और कोई भी तथ्य उसके साथ जो है, इस जिस तरह से इसको उठाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर हुए खुलासों पर बयान जारी कर साफ किया है कि यह रिपोर्ट धारणाओं से भरी हुई है। यह रिपोर्ट का कोई भी मजबूत आधार नहीं है और यह सच्चाई से कोसों परे है। और कंपनी के मुताबिक ऐसा लगता है कि अज्ञात सूत्रों ने गलत जानकारी मुहैया कराने का प्रयत्न किया है। एनएसओ ग्रुप ने यह भी कहा है कि यह दावा कि डेटा हमारे सर्वर से लीक हुआ है पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई डेटा हमारे सर्वर पर कभी था ही नहीं। इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार से मित्रों, इजरायली कंपनी ने द वायर मीडिया संस्थान द्वारा इस मामले में प्रकाशित लेखों के बारे में कहा है कि ये लेख बिना किसी तथ्य और आधार के छपे हुए हैं, जिसके कारण इस संस्थान पर मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद का इतिहास फोन टैपिंग का याद करे, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कई मामले सामने आए जब सारे नियम कायदों को ताक पर रख करके फोन टैप किए गए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक हर महीने 9000 से अधिक फोन, लगभग 500 से ज्यादा ईमेल्स की कांग्रेस के दौर में निगरानी की गई। ये सच्चाई है। और इसे आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सहित दूसरे कई विपक्षी नेताओं ने भी यूपीए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि फोन सरकार नहीं बल्कि एक प्राइवेट एजेंसी ने टेप करवाई। श्री मनमोहन सिंह ने इस मामले में जेपीसी की मांग, जो विपक्ष द्वारा उस वक्त उठाई गई थी, उसको सिरे से खारिज किया था। बाद में दिसंबर 2010 में मनमोहन सिंह ने खुद माना कि कारपोरेट के लोगों के फोन टैप किए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर इसकी तरफदारी की थी। और इससे आगे बढ़कर के मित्रों, 22 जून 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने दफ्तर की
बगिंग के बारे में गुप्त जांच करवाने की मांग रखी थी। यही नहीं, भाजपा सहित कांग्रेस के अपने ही विधायक ने भी हाल ही में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए। इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और अपने नागरिकों की निजता के अधिकार के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, समर्पित है। भारत सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और जो विपक्ष सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टि से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में विश्वास रखती है। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू ते सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।